नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। पिछले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि किसी फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को हम किस तरह से पास कराते हैं, पर आपने देखा होगा कि पिछले हमने जितने भी एग्जांपल्स फंक्शन से रिलेटेड देखे उन सभी के अंदर रिटर्न टाइप हुआ करता था वॉइड। वॉइड रिटर्न टाइप होने का मतलब होता था कि वो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अब रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, तो ये चीज़ दोस्तों आज हम समझेंगे कि कैसा दिखता है वो फंक्शन जो किसी वैल्यू को रिटर्न करता है। तो आज हम उन फंक्शंस को पढ़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो आइए दोस्तों इस चीज़ को एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो इस प्रोग्राम के अंदर सबसे ऊपर आप हेडर फाइल्स जरूर लिख लीजिएगा, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। फिर इसके बाद साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन किया हुआ है। ये फंक्शन एवरेज कैलकुलेट करके देगा हमको तीन नंबर्स के, तीन रियल नंबर्स के, तीन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के, हमको ये एवरेज कैलकुलेट करके देने वाला है ये फंक्शन। तो आइए दोस्तों इस फंक्शन के प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन पर एक बार नज़र डालते हैं। सबसे पहले साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोट। तो इस फ्लोट का मतलब हो गया दोस्तों रिटर्न टाइप। इसके पहले हमने जितने भी फंक्शन देखे थे तो यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ हम लिख दिया करते थे void, जिसका मतलब होता था कि वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते थे। पर क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों फ्लोट, तो ये अब कुछ वैल्यू रिटर्न करने वाला है। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप हो गया है दोस्तों फ्लोट। कैसी वैल्यू ये रिटर्न करने वाला है, तो ये कोई ना कोई एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। जब भी इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो ये एक फ्लोट वैल्यू हमें रिटर्न करके देगा। कैसे होगी वैल्यू रिटर्न और कहाँ वो रिटर्न होगी, ये सारी चीज़ें हम आगे क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं साथियों एक स्पेस हमने यहाँ पर दिया हुआ है और इसके बाद हमने फंक्शन का नाम यहाँ पर लिख दिया है। तो इस फंक्शन का नाम हमने दिया है avg। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये पैरेंथेसिस है और इन पैरेंथेसिस के बीच में हमने लिखा हुआ है फ्लोट कोमा फ्लोट कोमा फ्लोट और फिर सेमीकोलन लगा दिया। तो ये तीन बार हमने फ्लोट लिखा और वो भी कॉमा लगाकर। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है इस फंक्शन के प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन के जरिए हमने ये वादा कर लिया है कि जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो इसके अंदर तीन फ्लोट वैल्यूज हमको पास करनी होंगी। अब आइए देखते हैं इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को हम देखते हैं और एग्जीक्यूशन के जरिए ही इस डेफिनेशन को भी हम समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में जन्म होगा चार वेरिएबल्स का जिनका नाम है a b c और d। चारों का टाइप है फ्लोट। तो 16 बिट के कंपाइलर में चार चार बाइट ये सारे वेरिएबल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे। यहाँ पर हमने ए बी और सी को तो इनिशियलाइज भी करवा दिया है, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन हमने करवाया है ए बी और सी का, चट मंगनी पट ब्याह। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मेमोरी में चार वेरिएबल्स का जन्म हो जाएगा जिनका टाइप है फ्लोट। फिर इसके बाद clrcr जो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा। अब दोस्तों यहाँ है असली खेल, यहाँ खेला जा रहा है इस प्रोग्राम का सबसे रोमांचक खेल। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ दोस्तों हमने इस फंक्शन को कॉल किया है avg को, पर इस तरफ आप देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है d, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड, असाइनमेंट ऑपरेटर की दाई तरफ हमने इस avg फंक्शन को कॉल किया है। तो ऐसा हमने क्यों किया, यहाँ पर हमने ये d क्यों लिखा, यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर हमने क्यों लगाया, ऐसा तो हम पहले तो नहीं करते थे। पहले हमने जो प्रोग्राम्स बनाए फंक्शंस के उनमें हम ऐसा कुछ नहीं करते थे, फिर इस बार हमने ऐसा क्यों किया है, तो इस सवाल का जवाब अभी कुछ ही देर में हम ढूंढ लेंगे दोस्तों। तो ज़रा देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर की इस तरफ ज़रा देखिएगा दोस्तों, क्या यहाँ हमने इस फंक्शन को कॉल किया है? हाँ किया है, इस avg नाम के फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल तो किया है। और कॉल करते वक्त इसके अंदर हमने
क्या तीन फ्लोट वैल्यूज पास कर दी क्या? जी हाँ बिल्कुल कर दी। ए बी सी तीनों ही फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो हमने इन तीनों फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स को इस फंक्शन में एज ए पैरामीटर पास कर दिया, और ऐसा वादा हमने इस फंक्शन के प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन को करते वक्त कर लिया था कंपाइलर से। और क्या हमने उस वादे को दोस्तों यहाँ पर निभाया है? जी हाँ दोस्तों, हमने उस वादे को यहाँ बिल्कुल पाकिजगी से निभा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यूज को हमने पास किया। अब जरा बताइएगा दोस्तों, जिस जगह पर हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंट्रोल कहाँ जाता है? तो कंट्रोल उसकी डेफिनेशन पर जाता है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है, डी असाइनमेंट ऑपरेटर ए वी जी ए कोमा बी कोमा सी सेमीकोलन, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में असाइनमेंट ऑपरेटर के जो राइट में हमने फंक्शन की कॉलिंग की है, तो पहले दोस्तों ये फंक्शन की कॉलिंग कर दी जाएगी, उसके बाद फिर असाइनमेंट का काम आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अब ये फंक्शन कॉल हो गया है। अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल ने फैसला किया इसकी डेफिनेशन में जाने का। तो ये रही दोस्तों इसकी डेफिनेशन। यहाँ आप देख सकते हैं हमने इस एवीजे नाम के फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब डेफिनेशन देते वक्त जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था, रिटर्न टाइप तो हम हूबहू यहाँ पर कॉपी कर ही देते हैं, जो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन के अंदर रिटर्न टाइप होता है वही हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, फिर स्पेस, फिर फंक्शन का नाम। अब साथियों यहाँ आप देख सकते हैं हमने तीन फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स भी डिफाइन कर दिए। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन के वक्त हमने ये वेरिएबल्स डिफाइन नहीं किए, ये हमारी मर्जी थी, हम चाहते तो यहाँ पर भी इनको डिफाइन कर सकते थे, नहीं भी किया तो हमसे कोई गुनाह नहीं हुआ, पर यहाँ तो हमको अब तीन वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे जो किसका किरदार निभाएंगे दोस्तों? फॉर्मल पैरामीटर का किरदार निभाएंगे। ये एक्स वाई जेड तीनों हो गए हैं हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स। ये क्या करेंगे? तो ये जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं जो कि हैं हमारे ए बी और सी, इनकी वैल्यूज को रिसीव कर लेंगे। तो जरा बताएं दोस्तों, एक्स किसकी वैल्यू को रिसीव करेगा? ए की वैल्यू को रिसीव करेगा। वाई किसकी वैल्यू को रिसीव करेगा? तो वाई रिसीव करेगा बी की वैल्यू को, और जेड सी की वैल्यू को यहाँ पर रिसीव कर लेगा। तो यहाँ पर तीन वेरिएबल्स का और जन्म होगा जो कि इस फंक्शन ए वी जी के लोकल वेरिएबल्स होंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक्स वाई और जेड ये तीनों वेरिएबल्स हमारे इनिशियलाइज हो गए। अब कंट्रोल इस फंक्शन के डेफिनेशन के ब्लॉक में प्रवेश करेगा, एंटर करेगा। तो दोस्तों हमने क्योंकि यहाँ पर ये तीन वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, तो तीनों वेरिएबल्स इस फंक्शन के ब्लॉक में कहीं पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब कंट्रोल यहाँ पर आया। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एक और फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है टी। तो ये टी हमने डिक्लेयर क्यों किया? तो क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर इन तीनों नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना चाहते थे, तो उस एवरेज को स्टोर करने के लिए हमने इस टी नाम के वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो एक टी नाम का वेरिएबल और यहाँ पर बन जाएगा मेमोरी में 4 बाइट का। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से एक टी नाम का वेरिएबल बन गया। अब यहाँ देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों पहले एक्स वाई और जेड तीनों का सम कैलकुलेट किया जा रहा है, फिर उसको 3 से डिवाइड किया जा रहा है। तो इन तीनों का सम कितना आएगा दोस्तों? तो 3.5 प्लस 2.5 प्लस 3.0, ये तीनों सम होकर दे देंगे हमको 9.0। एक फ्लोट वैल्यू यहाँ से आई है जो है 9.0। अब उस 9.0 को हमने 3 से डिवाइड किया तो रिजल्ट मिलेगा दोस्तों 3.0, क्योंकि एक फ्लोट का किसी इंटीजर के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन हमें एक फ्लोट वैल्यू ही देता है। बहुत पहले हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से कैलकुलेट होकर वैल्यू आई दोस्तों 3.0, और फिर वो 3.0 किस में असाइन हो गई? इस टी के अंदर। तो जैसे ही ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुआ, इस टी की वैल्यू हो गई साथियों 3.0। अब क्या होगा? अब यहाँ देखिए दोस्तों, रिटर्न स्टेटमेंट हमने लिखा है। तो इसके पहले भी हमने रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है साथियों, पर वहाँ पर हमने सिर्फ रिटर्न लिखा था और आगे सेमीकोलन लगा दिया था, उसके आगे हम कुछ नहीं लिखते थे, हमने सिर्फ रिटर्न लिखा और सेमीकोलन लगा दिया। तो वहाँ क्योंकि दोस्तों फंक्शंस का जो रिटर्न टाइप था वो था वॉइड, वहाँ फंक्शंस को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना थी, इसलिए हमने जहाँ रिटर्न स्टेटमेंट तब पहले देखी थी तब हम सिर्फ रिटर्न लिख देते थे, उसके साथ कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे थे। पर दोस्तों जरा अब इस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन को देखें, आप इस फंक्शन को देखें, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? फ्लोट।
इसका मतलब अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के वक्त, जब भी इस फंक्शन की डेफिनेशन को एग्जीक्यूट किया जा रहा होगा, तब एंड में हमें एक वैल्यू इस फंक्शन से रिटर्न करानी ही होगी। और वो वैल्यू किस टाइप की होना चाहिए दोस्तों? फ्लोट टाइप की। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा रिटर्न और फिर पैरेंथेसिस के बीच में लिख दिया है टी। तो ये टी जरा बताएं दोस्तों किस टाइप की वैल्यू है? एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो जैसा हमने वादा किया था वो वादा अब हम निभा रहे हैं। इस एवीजी का रिटर्न टाइप था फ्लोट, तो हमने यहाँ इस रिटर्न स्टेटमेंट से एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करा दी इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ अब जैसे ही दोस्तों ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से असली कहानी शुरू है। अब दोस्तों ज़रा बताएं, इसके पहले हमने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ देखा था। तब क्या होता था कि जहाँ कहीं भी फंक्शन की डेफिनेशन में रिटर्न स्टेटमेंट आ जाता था, कंट्रोल सीधा वहाँ से फंक्शन से बाहर होकर वहाँ पहुँच जाता था जहाँ उस फंक्शन को हम कॉल किया करते थे। तो ज़रा बताएं दोस्तों, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा क्योंकि यहाँ पर भी रिटर्न स्टेटमेंट है, पर फर्क इतना है कि वहां कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती थी, यहां पर एक वैल्यू रिटर्न होगी। किस तरह से होगी? तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ये रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर हुई, कंट्रोल सीधा यहां से वहां चला गया जहां इस एवीजी फंक्शन को कॉल किया गया था। तो इस एवीजी फंक्शन को साथियों कॉल किया गया था यहां पर, तो कंट्रोल यहां लौट आया इस डेफिनेशन को पूरा एग्जीक्यूट करके, पर खाली हाथ नहीं आया दोस्तों। इस बार कंट्रोल रूखा सूखा नहीं आया है, खाली हाथ वो नहीं आया है, वो अपनी झोली भर के लाया है। और उस झोली में वो क्या भर के लाया है दोस्तों? तो उस झोली में वो एक फ्लोट वैल्यू भर के लाया है जो कि है इस टी की वैल्यू, और जो कि कितनी है दोस्तों? 3.0। क्योंकि हमने यहाँ इस रिटर्न के साथ इस वैल्यू को भी रिटर्न करा दिया था, और क्योंकि हमने वादा भी किया था कि इससे हम एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न कराएंगे, तो वो वादा भी हमने निभाया। तो इस बार कंट्रोल झोली भर के साथ लाया और उसके अंदर एक फ्लोट वैल्यू लेकर आया है जो कि है 3.0। तो दोस्तों जहाँ कहीं भी इस फंक्शन को हमने कॉल किया था, अब वहाँ पर ये एक वैल्यू रिटर्न हो गई है जो कि है 3.0, जो कि है इस टी की वैल्यू। अब ये जो 3.0 जो ये वैल्यू यहाँ रिटर्न होकर आई है, ये अब किस में असाइन हो जाएगी? तो ये असाइन हो जाएगी इस डी नाम के वेरिएबल में, जिसका खुद का टाइप भी क्या है दोस्तों? फ्लोट। क्योंकि इस फंक्शन ने एक वैल्यू रिटर्न की, इस फंक्शन ने एक वैल्यू फेंक दी। कहाँ फेंकी? जहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया गया था वहाँ इसने एक वैल्यू फेंकी है। अब उस वैल्यू को दोस्तों कोई कैच करने वाला भी चाहिए। अब क्योंकि दोस्तों ये वैल्यू है फ्लोट वैल्यू, फ्लोट कांस्टेंट, तो ज़रा बताएं किसी फ्लोट कांस्टेंट को झेलने की ताकत किसके अंदर है दोस्तों? एक फ्लोट वेरिएबल में ही है। इसलिए हमने यहाँ पर ये डी नाम का एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल पहले ही डिक्लेयर कर लिया था, और इस डी ने किसको कैच कर लिया दोस्तों? 3.0 को कैच कर लिया। अब यहाँ इस इंस्ट्रक्शन के पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.0। तो दोस्तों इस तरह से डी की वैल्यू हो जाएगी 3.0। अब कंट्रोल आगे आया, इस प्रिंट एफ को एग्जीक्यूट किया। अब जैसे ही इस प्रिंट एफ को एग्जीक्यूट करेगा, तो इस प्रिंट एफ के जरिए इस डी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इस परसेंटेज एफ की जगह पर। तो दोस्तों इस प्रिंट एफ के जरिए ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। हम मान लेते हैं ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, तो प्रिंट हो जाएगा एवरेज इज 3.000000, क्योंकि जैसा कि हम लोग पहले जिक्र कर चुके हैं कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक का प्रिसिशन यहाँ पर दिखाया जाता है जब भी हम किसी फ्लोट वैल्यू को इस परसेंटेज एफ से प्रिंट करते हैं। तो दोस्तों फिर इसके बाद गेट सी एच आया और हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो गया। तो दोस्तों आज हमने पहली दफ़ा ऐसा फंक्शन देखा है जो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इस फंक्शन के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पैरामीटर्स को भी पास कर दिया और इससे एक वैल्यू रिटर्न भी करा ली, और उस वैल्यू को हमने यहाँ पर प्रिंट भी कर दिया। अब इसमें भी हम कुछ फेर बदल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर भी हम कुछ और एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं सेम प्रोग्राम है हमारे पास, उसमें हमने कुछ तब्दीलियाँ कर दी। क्या तब्दीलियाँ हमने की है? तो दोस्तों यहाँ पर पहले 4 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए थे, ए बी सी और एक डी नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर किया था। इस बार हमने उस डी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया।
फिर आप देख सकते हैं इस सी एल आर एस सी आर के नीचे हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा था जिसमें हमने लिखा था डी असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर हमने ए वी जी नाम के फंक्शन को कॉल किया था और उसमें ए बी सी तीनों को हमने पास किया था। इस बार हमने यहाँ से वो एक्सप्रेशन हटा दिया क्योंकि अब हमारे पास डी नाम का वेरिएबल है ही नहीं। फिर हमने क्या किया, तो दोस्तों इस बार हमने इस फंक्शन को, इस ए वी जे नाम के फंक्शन को हमने प्रिंट एफ के अंदर कॉल किया है। तो क्या ऐसा भी कर सकते हैं हम किसी प्रिंट एफ के अंदर किसी यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करेगा अब इस चीज़ को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये तीनों वेरिएबल्स बन ही जाएंगे मेमोरी में, ए बी और सी, और इनकी वैल्यूज इनिशियलाइज हो ही जाएगी। फिर इसके बाद दोस्तों सी एल आर एस सी आर हमारी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा। अब इस प्रिंट एफ पर कंट्रोल आएगा। तो दोस्तों जब कंट्रोल इस प्रिंट एफ के अंदर आएगा तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एवरेज इज परसेंटेज एफ, तो इस परसेंटेज एफ की जगह पर क्या प्रिंट होगा? तो दोस्तों ये मैसेज प्रिंट होने से पहले ये फंक्शन कॉल किया जाएगा। यहाँ पर हमने इस बार इस ए वी जी फंक्शन को प्रिंट एफ के अंदर ही यहाँ कॉल कर दिया है, जहाँ हम पहले एक वेरिएबल का नाम लिखा करते थे, जहाँ इसके जस्ट पहले हमने डी नाम का वेरिएबल लिखा हुआ था। अब हमने डी वेरिएबल का नाम यहाँ ना लिखते हुए सीधा ए वी जी फंक्शन को ही यहाँ पर कॉल कर दिया। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, तो दोस्तों ये ए वी जी फंक्शन यहीं से कॉल हो जाएगा। अभी फंक्शन यहीं से कॉल हुआ तो कंट्रोल इसकी डेफिनेशन में आया। एक्स वाई और जेड ने ए बी सी तीनों की वैल्यूज को रिसीव कर लिया। तो इस तरह से दोस्तों एक्स वाई जेड फिर से इनिशियलाइज हो गए तीनों। अब कंट्रोल अंदर आया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक तब्दीली हमने की है। पहले हमने एक टी नाम का वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया था और इस उस टी नाम के वेरिएबल के अंदर हमने एक्स वाई और जेड तीनों का पहले एवरेज कैलकुलेट किया था और वो उस टी में असाइन करवाया था, और फिर बाद में हमने इस रिटर्न के अंदर सिर्फ यहाँ टी लिखा था, यहाँ से सिर्फ हमने टी की वैल्यू रिटर्न कराई थी। तो दोस्तों टी के अंदर एक्स वाई जेड का एवरेज ही तो था, तो क्यों ना हम उस एवरेज को पहले अलग से कैलकुलेट करके टी नाम के वेरिएबल में स्टोर करके फिर उस टी की वैल्यू को रिटर्न करा के, ऐसा करने के बजाय सीधा सीधा इस एक्सप्रेशन को ही रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर लिख दें। तो सवाल ये मन में खड़ा होता है कि क्या रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हम कोई पूरा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन भी फाइनली इवेल्युएट होकर तो हमको एक ही वैल्यू देगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि कंट्रोल जैसे ही इस फंक्शन की डेफिनेशन में आएगा ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये अपने साथ एक वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या होगी वो वैल्यू? तो वो वैल्यू होगी x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम होकर 3 से डिवाइड होने के बाद मिलने वाली वैल्यू, यानी कि x y z तीनों का एवरेज, जो कि कितना आएगा दोस्तों, तो इन तीनों का सम होगा 9.0, फिर वो 3 से डिवाइड होगा तो मिलेगा यहाँ से 3.0। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा दोस्तों, ये वैल्यू 3.0, ये पूरा एक्सप्रेशन इवेल्युएट होकर 3.0 में बदल जाएगा। तो इस रिटर्न स्टेटमेंट से ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी जो कि है 3.0। कहाँ होगी ये वैल्यू रिटर्न? तो दोस्तों वहीं होगी जहाँ इस फंक्शन को कॉल किया गया था। कहाँ किया गया था इस फंक्शन को कॉल, तो आप देख सकते हैं इस प्रिंट एफ के अंदर इसको कुछ यहाँ हमने कॉल किया था, तो ये 3.0 रिटर्न हो गया यहाँ पर। तो यहाँ दोस्तों वैल्यू रिटर्न हुई है 3.0। अब ये 3.0 जो है ये एक फ्लोट वैल्यू है साथियों, तो ये फ्लोट वैल्यू इस परसेंटेज एफ की जगह पर प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों हम मान लेते हैं ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, तो हमें जो आउटपुट नज़र आएगा वो नज़र आएगा एवरेज इस, और इस परसेंटेज एफ की जगह वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो इस फंक्शन के कॉल होने पर रिटर्न की गई है, जो कि है 3.0, जो कि है एक फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ से प्रिंट हो गया एवरेज इस 3.000000, क्योंकि परसेंटेज एफ डेसिमल पॉइंट के बाद बाय डिफॉल्ट 6 डिजिट तक हमको प्रेसिशन देता है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो अलग अलग तरह से हमें हर चीज़ का मुआयना करना ज़रूरी है दोस्तों, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को समझना भी कभी कभी ज़रूरी होता है ताकि आपकी समझ और गहरी हो जाए। तो दोस्तों
इस लेक्चर को अब हम यहीं एंड करते हैं। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से किसी फंक्शन से हम वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं, और रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, क्या मायने होते हैं किसी वैल्यू को रिटर्न करने के। अभी दीजिए मुझे इजाज़त, होती है मुलाकात अगले लेक्चर में। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।